भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज भूपेश बघेल जी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी का एक वीडियो जारी किया है जो कि नागरिकता संशोधन एक्ट पर आधारित है। और ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद गांधी परिवार को खुश करने के लिए ही जारी किया है। इसको देख के मुझे बहुत असहज महसूस हुआ और किसी भी भारतीय नागरिक को बड़ा इस वीडियो को देखकर दुखी होगा। अभी कुछ दिन पहले भारत बचाओ रैली कांग्रेस ने दिल्ली में आयोजित किया था, उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार नारे लगाए थे, सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये चार नारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगाए थे। वे वहाँ पर भारत माता की न तो उन्हें याद आई, न छत्तीसगढ़ महतारी की उन्हें याद आई, केवल गांधी परिवार को शायद संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस की राजनीति होती है, उसी का परिचय उस रैली के नारों में भी दिखाई दिया। पूरा परिदृश्य देखकर यही लगता है कि वह भारत बचाओ रैली नहीं थी, गांधी परिवार बचाओ रैली थी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और आगे जाके रॉबर्ट वाड्रा, रेहान वाड्रा, मिराया वाड्रा, इन्हीं को बचाने की शायद ये इस तरह की रैली थी। इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है, इस तरह की ओछी राजनीति को देखकर बड़ा दुख होता है। सबसे पहले नागरिकता संशोधन एक्ट क्या है इसको हमको समझना चाहिए, तभी हम कांग्रेस की ओछी और गंदी राजनीति को समझ पाएंगे। नागरिकता संशोधन एक्ट जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के हित के लिए बना है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ये भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे उसमें हम हिंदू धर्म की, चाहे हम उसमें जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, सिख की बात करें, इवन ईसाई धर्म की बात करें, किसी के लिए अहित में नहीं है। इवन भारत देश के मुस्लिम भाइयों के भी अहित में कहीं से नहीं है। ये मूल रूप से भारत के अल्पसंख्यकों को 1% किसी भी तरह से डैमेज नहीं करता है, बल्कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के हित के लिए बनाया गया कानून है, न कि भारत के अल्पसंख्यकों के विरोध में बनाया गया कानून है। आप सभी जानते हैं कि 1947 में दुर्भाग्य से भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई बहन, जैन भाई बहन, पारसी भाई बहन, ईसाई भाई बहन, इन लोगों की इच्छा से कोई भारत का विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि उनके इच्छा के विरुद्ध भारत के विभाजन को इन पर थोपा गया था। इस बात को समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर पाकिस्तान जैसे देश में धार्मिक प्रताड़ना का लगातार शिकार होते रहे, और उसके कारण धर्म के आधार पर आधारित प्रताड़ना के आधार पर वो भारत में शरणार्थी बनकर आए, कई तरह की दिक्कतों परेशानियों को झेलते रहे। अब दशकों बाद उनको नागरिकता प्रदान की जा रही है, तो इसमें कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का मौका मिल रहा है, बिना बात के मौका बनाना चाहती है कांग्रेस। भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए ये कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी बनकर आए हुए जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहन हैं, उनके हित में बनाया गया कानून है। लेकिन कांग्रेस इसमें केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रही है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए दशकों से एक बड़ा हथियार वोट बैंक के रूप में रही है। मुस्लिम भाई बहनों को कांग्रेस केवल एक वोट बैंक के रूप में देखती है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1986 में एक माता जो 70-72 साल की थी, साहबानो इंदौर की, उसे तलाक दिया गया था, उसके बदले में हर जाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रदान किया था, लेकिन
1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस मानवीय आदेश को अपने अध्यादेश और बाद में एक्ट लाकर बदलने का पाप किया था। मुसलमान भाई बहन कांग्रेस के लिए केवल एक वोट बैंक भर हैं, उसी के तहत इस्तेमाल करते आई, नहीं तो आज मुस्लिम भाई बहनों की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दशा इतनी खराब न होती। ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है और उसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी कांग्रेस उसी नजरिए से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी सोनिया गांधी जी के वीडियो को आप देखेंगे तो अभी बड़ी चतुराई से सोनिया गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण की जो उनकी का जो मूल एजेंडा है उससे भटकाते हुए इस पूरी राजनीति में गरीबों का नाम लिया है और स्टूडेंट्स का नाम लिया है, यूथ का नाम लिया है। इनका मूल एजेंडा है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना, लेकिन ये अब इसे टर्न करके एक नया एंगल देना चाहते हैं कि उसमें गरीब परेशान होगा, उसमें यूथ परेशान होगा, उसमें स्टूडेंट परेशान होगा। इस तरह की राजनीति करने का ये दुष्प्रयास कर रही हैं सोनिया गांधी जी। उनका मूल एजेंडा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, लेकिन अभी जो हिंसा की आग जल रही है उसमें गरीबों का एंगल देके गरीबों को उस आग में अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सोनिया गांधी जी उसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, उसमें इंगेज करना चाहती है। ये बहुत ही गलत राजनीति है, मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं ये बात भी रखना चाहूँगा कि अभी सोचने का विषय है कि जो अधिकतर हिंसा हो रही है वो बीजेपी रूल स्टेट में ज़्यादा कांग्रेस प्रायोजित ढंग से, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रायोजित ढंग से कराने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ में जो कांग्रेस रूल स्टेट है वह भी जाकर प्रदर्शन करने, अपनी स्टेट में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अपने छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शायद भिलाई में इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक गंदी राजनीति कांग्रेस पूरे देश में कर रही है, हिंसा को भड़काना चाहती है और इसमें गरीबों को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की का दुष्प्रयास कर रही है। सोनिया गांधी जी ने इस वीडियो में असहमति के अधिकार की बात कही है। निश्चित रूप से असहमति का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी आवाज रखने का अधिकार है। इन सब बातों को अधिकार निश्चित रूप से है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हिंसा भड़की हुई है तो सोनिया गांधी जी के पूरे वीडियो में एक शब्द यह नहीं निकला कि हिंसक तरीका को आप छोड़ें, हिंसा को ना अपनाएं, इस तरह की बात सोनिया गांधी जी ने कहीं नहीं कही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और यह बात को स्पष्ट करता है कि सोनिया गांधी जी की स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो हिंसा भड़की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा और कांग्रेस प्रायोजित ढंग से भड़काई गई है, इस हिंसा पे वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। भारत बचाओ रैली करती हैं और गांधी परिवार बचाओ की वो रैली होती है, इस बात को देश की जनता को समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे कहीं एक्स एमएलए कांग्रेस के गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ का एनएसयूआई का लीडर स्टूडेंट्स के बीच में घुसकर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये जो एक हवा फैली है उस पे राजनीति करने का बहुत ही गंदा दुष्प्रयास किया गया है। असहमति का अधिकार, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने का अधिकार निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को भारत में है। भारत जैसा सहिष्णु राष्ट्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहा है। भारत की संस्कृति ही वो संस्कृति है जिसमें सहिष्णुता पलती है। मैं सहिष्णु हूं क्योंकि मैं हिंदू संस्कृति का वाहक हूं, आप सहिष्णु हैं क्योंकि आप हिंदू संस्कृति के वाहक हैं। आप कहीं पर भी जाकर देखेंगे, जो भी राष्ट्र मुस्लिम परस्त राष्ट्र है, ईसाई परस्त राष्ट्र है, यूरोप में, अन्य देशों में इस तरह की सहिष्णुता कहीं नहीं पाई जाती। भारतीय संस्कृति, हिंदू जो मैं कह रहा हूं एक सेक्ट के रूप में नहीं कह रहा हूं, हिंदू संस्कृति के रूप में मैं कह रहा हूं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्धारित किया है, फैसला दिया है कि हिंदू शब्द एक सांस्कृतिक शब्द है, न कि एक सेक्ट विशेष, एक ग्रुप विशेष के लिए प्रयोग किया जाना वाला शब्द है। हमेशा एक गड़बड़ झाला होता है जब हिंदू संस्कृति को एक सेक्ट के रूप में, एक ग्रुप के रूप में डिफाइन करने का दुष्प्रयास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जाता है।
मैं फिर से कहना चाहूंगा, हिंदू संस्कृति ही सबसे विशाल हृदय की संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में यह संभव होता है कि कई करोड़ देवी देवता होते हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई काली जी को मानता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई मूर्ति को नहीं मानता है, इवन कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है। इतने प्रकार के सेक्ट, इतने प्रकार के समुदाय, इतने प्रकार की मान्यता यदि कहीं संभव है तो केवल हिंदू संस्कृति में संभव है। दूसरे सिमिटिक रिलीजन जहां पे केवल एक धर्म ग्रंथ होता है, एक गॉड होता है, वहां टॉलरेंस को, वहां सहिष्णुता को कोई स्थान नहीं होता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम सहिष्णु हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, आप सहिष्णु हैं क्योंकि आप हिंदू हैं। ये हिंदू शब्द मैं भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, न कि एक ग्रुप या सेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। इस बात को स्पष्ट करें। असहमति के अधिकार या लोकतांत्रिक बातों की बात सोनिया गांधी जी कर रही हैं, उनको याद करना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र में का जो सबसे काला अध्याय है वो इमरजेंसी का है, आपातकाल का है। और 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी जी ने रेडियो पर आकर बिना कैबिनेट की मंजूरी के आकर कह दिया था, द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। इस तरह की बात उन्होंने रेडियो पे आकर एकाएक कह दिया था, कैबिनेट के बिना मंजूरी के उन्होंने ये बात कही थी। इससे दुर्भाग्यजनक बात और कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी ने 100 से अधिक बार धारा 356 का प्रयोग करते हुए राज्य की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का पाप किया है। ऐसी पार्टी जो इस देश के लोकतंत्र में इमरजेंसी लगाई, ऐसी पार्टी जो धारा 356 का 100 से अधिक बार उपयोग की, वे इस तरह की बात करते हैं तो उचित नहीं लगता है। केवल राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास लगता है। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी ने इस वीडियो में बड़ी चतुराई से मुस्लिम तुष्टिकरण की जो उनकी पहली राजनीति थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब था, एक्ट नहीं बना था, नागरिकता संशोधन अधिनियम जब बनने से पहले जब वो एक विधेयक था, तब मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया है, इस बात से यह विरोध चालू किया गया था। ये अवार्ड वापसी गैंग, एक तरह तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, वही इस देश के फैब्रिक को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जो राजनीति चालू की गई थी, इस वीडियो में बड़ी चतुराई से सोनिया गांधी जी ने उसे गरीबों, युवाओं, स्टूडेंट्स से जोड़ने का पाप किया है। इस बात को देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से शालीनता के साथ समझेगी और इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस को देगी। दूसरा इस वीडियो पर मुख्य आपत्ति है, अरे आवाज बंद करो भाई। दूसरा इस वीडियो पर मुझे मुख्य आपत्ति है कि इन्होंने कहीं भी हिंसा को समाप्त करने की कोई बात नहीं की है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की कोई बात नहीं की है। कांग्रेस के लोग ही जगह जगह इन्वॉल्व होकर पूरी तरह से विरोध को हिंसक बना रहे हैं। कहीं पे भी उन पुलिस वालों को जो मारा जा रहा है, बम फाटे जा रहे हैं, जो जलाया जा रहा है, उस चीज को लोकतांत्रिक ढंग से करने की कहीं बात नहीं की। इस बात को मुझे बहुत दुख हुआ। 2 मुख्य आपत्तियां इस वीडियो पर। पहला, उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से अलग हटते हुए अपनी राजनीति सेकने के लिए गरीबों, युवाओं को इस आग में झोंकने का षड्यंत्र दिख रहा है। और दूसरा, इन्होंने देश में भड़की हिंसा को रोककर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की कहीं बात इस पूरे वीडियो में नहीं की। इस बात को मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, हमारे देश के लोगों को बताना चाहता हूं। और भूपेश बघेल जी ने इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो को अपने फेसबुक पेज से केवल तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए और उनका मुख्य एजेंडा गांधी परिवार को खुश करने के लिए जारी किया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के इस वीडियो की मैं घोर निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।